नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। मानेसर लैंड स्कैम के बाद अब ईडी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कस दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कुल 22 लोगों के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है और ये पूरा मामला पंचकूला में 14 इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाट आवंटन का मामला है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबियों को प्लाट आवंटन किए। इस पूरे मामले को लेकर के अब ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कस दिया है। कोर्ट में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि पंचकूला में अपने करीबियों को 14 इंडस्ट्रियल प्लाट आवंटन मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दायर की है। इसमें चार पूर्व आईएएस अधिकारियों का नाम भी है। ये प्लांट आवंटन के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में पोस्टेड थे। ईडी ने प्रिवेंसिज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की है। पंचकूला स्थित ईडी कोर्ट में अब ये इसकी स्क्रूटनी का काम होगा और उसके बाद अगली सुनवाई है वो 18 फरवरी को होगी। हम आपको बता दें कि जो लोग इस चार्जशीट में शामिल हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते थे, उनमें जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा एचएसवीपी के तत्कालीन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर धर्मपाल सिंह नागल, तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर सुरजीत सिंह, चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस सुभाष चंद्र कांसल, फरीदाबाद जोन के एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र कुमार सोलंकी के अलावा भारत भूषण तनेजा, अनुपद सूद, कंवरप्रीत सिंह संधु, रेणु हुड्डा, मोना बेरी, अमन गुप्ता, नंदिता हुड्डा और एमएस चंडीगढ़ सॉफ्ट टच प्राइवेट लिमिटेड के अशोक वर्मा, डॉक्टर गणेश दत्तरतन, डागर कत्याल, सिद्धार्थ भारद्वाज और एमएस वाईपीटी इंटरटेनमेंट हाउस के जो हैं कर्नल प्रोफेसर ओम प्रकाश दहिया के साथ साथ पवन कांसल, मनजोत कौर के खिलाफ है, वो चार्जशीट दायर की है। और जो ये प्लाट आवंटन किए गए थे वो सभी लोग हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी। किस लिए थे वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि रेणु हुड्डा है जो मकान नंबर 37 सेक्टर 28 से चंडीगढ़ में जो रहती हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके भतीजे की पत्नी बताई जा रही है। नंदिता हुड्डा है जो मकान नंबर 210 सेक्टर 11 चंडीगढ़ में रहती हैं, उनके पति नरेंद्र तब एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। नंदिता का पंचकूला में गोल्डन ट्यूबलिप के नाम से होटल भी बताया जा रहा है। मोना बेरी जो है बतौर ये कहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे बीआर बेरी की पुत्र वधु है। प्रदीप कुमार हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जो पूर्व जो है सीएम के सचिव राम के जो है वो पुत्र हैं बताया जा रहा है। और कंवरजीत सिंह संधु जो कि करनाल के रहने वाले हैं, वो कंवरप्रीत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति ले जनरल डीडीएस के जो है परिवार से बताए जा रहे हैं। डागर कत्याल जो कि रोहतक के रहने वाले हैं, इनका संबंध भी वरिष्ठ उप महाअधिवक्ता वाद्याराम कत्याल के पुत्र संजय कत्याल के परिवार से बताया जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर गणेश दत्त जो कि चंडीगढ़ के रहते हैं और अमन गुप्ता हैं थानेसर से, कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश गुप्ता के पुत्र हैं। इसी तरह से जो है ओपी धैया जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, करण सिंह दलाल के संबंधी हैं और कर्नल देसवाल के दामाद हैं। वैसे ही जो है मैसर्ज वाईपीटी इंटरटेनमेंट हाउस के जो एससीओ हैं और जो कि पंचकूला में रहते हैं, इनके मालिक सिद्धार्थ भारद्वाज बताए जा रहे हैं। मनजोत कौर हैं जो पंचकूला में रहती हैं, उस समय के एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है प्रभजोत सिंह की वो पत्नी हैं, वो बताई जा रही है। और हम आपको बता दें कि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस तरह के जो मामले हैं वो अब सामने आते जा रहे हैं और ईडी ने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है कड़ा जो है ये कहूँगा शिकंजा है वो कस लिया है। और इससे पहले भी, चाहे मानेसर लैंड स्कैम की बात करें, इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इस तरह के कई मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी मुश्किलें वो बढ़ती जा रही हैं। और अब चूंकि ईडी की तरफ से जो है चार्जशीट दाखिल की गई है जिनमें 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।